वेलकम टू सुपर वी क्लासेस। मैं समन प्रताप सिंह। आज हम 10th क्लास साइंस का चैप्टर 4, इसका पार्ट 4 देखेंगे, जिसमें हम IUPAC नाम और इसकी रहस्यमय दुनिया के बारे में जानेंगे। देखिए, IUPAC नाम क्यों दिए जाते हैं? दरअसल IUPAC जो नाम होते हैं, ये कार्बनिक यौगिकों को दिए जाते हैं, और ये जो नाम होते हैं ये हमारी हेल्प के लिए दिए जाते हैं। दरअसल हर साल हजारों नए नए कार्बनिक यौगिकों की खोज होती है। जब इतने नए नए तरह की कार्बनिक यौगिकों की खोज होगी, तो इसके लिए इनके लिए नाम भी देना होगा, और अलग अलग देशों में इनके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। उस चीज़ से बचने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर इसको, हर कार्बनिक यौगिकों को एक पहचान मिल सके, इसलिए IUPAC नाम की शुरुआत की गई। दरअसल IUPAC जो फुल फॉर्म है इसकी, वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ये इसकी फुल फॉर्म है। ये जो IUPAC नाम होते हैं, इनका प्रकाशन होता है, दरअसल एक बुक्स होती है जो लगभग लगभग हर साल छपती है, और जितने भी नए IUPAC नाम होते हैं उस साल के, उस बुक में छप जाते हैं। और वो जो बुक का नाम होता है, वो होता है नॉमन क्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस बुक में हर साल नए नए IUPAC नाम आते रहते हैं। ठीक, अब बात ये आती है, क्या हर किसी का IUPAC नाम देते हैं, हर कार्बनिक यौगिक का? तो देखिए, हम नॉर्मली हर कार्बनिक यौगिक का नाम देते हैं, पर हम उसका कभी कभी, कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनका हम यूज नहीं करते, जिनके IUPAC नाम का हम यूज नहीं करते। अब उसकी वजह क्या है कि कार्बनिक यौगिक का हमने IUPAC नाम तो दे दिया, लेकिन उसका हम यूज नहीं कर रहे, कभी भी यूज नहीं करते। कुछ IUPAC नाम ऐसे तो हैं जिनका कभी यूज नहीं करा, क्या वजह है? देखिए, होता क्या है, कभी कभी इतने बड़े और इतने भारी भरकम IUPAC नाम बन जाते हैं, जिसको लेने में बहुत दिक्कत होती है। इसकी वजह से क्या होते हैं, हम संस्कृत नाम का यूज करते हैं। संस्कृत नाम क्या होते हैं? संस्कृत नाम उनकी उत्पत्ति के आधार पर उनके नाम रख दिए जाते हैं, वो थोड़े छोटे होते हैं। जैसे एक प्रोटीन है जिसका नाम है टिटिन, ठीक, कहीं कहीं उसको टाइटिन भी बोल देते हैं, TITIN, ठीक। तो जो टिटिन प्रोटीन होती है, ये इतनी, इसका जब IUPAC नाम हम बनाते हैं, तो इसमें इतने अक्षर हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इसमें 189,819 अक्षर इसके IUPAC नाम में आते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर इससे भी अंदाज़ा नहीं लग रहा, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको बोलने में आपको 3 घंटे का टाइम लग जाएगा। 3 घंटे अगर लगातार इसका नाम बोलोगे, तो पूरा नाम कंप्लीट होने में 3 घंटे का वक्त लग जाएगा। इससे इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम IUPAC, इसके IUPAC नाम का यूज क्यों नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, जो शब्दकोश होता है जिसमें इसका नाम लिखा जाता है, उसमें लिखने में जब दिक्कत आ रही थी, तो इसके नाम को शब्दकोश से भी हटा दिया। डिक्शनरी में आप देखेंगे तो टिटिन का IUPAC नाम आपको नहीं मिलेगा, लिखेगा भी तो थोड़ा शुरुआत का मिलेगा, और फिर डेड डैश करके आखिरी मिल जाएगा। इसके शब्दकोश से भी इसका नाम हटा दिया गया, क्योंकि है इतना बड़ा, इतना भारी भरकम, कई सारे पन्ने खर्च हो जाएंगे इसको लिखने में। इसके ऊपर एक बार बयान भी आया था लोकसभा सांसद जो शशि थरूर हैं, उनके माध्यम से। एक बार वो तिरुवनंतपुरम, केरल की जो राजधानी है, उसमें एक मीटिंग के दौरान उन्होंने पेरेंट्स से गुहार लगाई थी, और उन्होंने पेरेंट्स से बोला था कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को इस वर्ड्स को ना रटाएं या ना याद कराएं। ठीक, 6 अप्रैल 2021 को इनका ये बयान आया था, आप चाहो तो उनके ट्विटर हैंडल पर इसको चेक कर सकते हैं। ठीक, तो ये IUPAC जो नाम है, अपने आप में बहुत रोचक दुनिया है। अच्छा, ये जो नाम दिया था, ये केरल में ही क्यों दिया गया, तिरुवनंतपुरम में ही क्यों दिया गया? क्योंकि वहाँ का जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर, लड़कियों की अगर आप देखेंगे तो 70% है, जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। वहाँ शिक्षित लोग ज़्यादा हैं, और ऐसे लंबे वर्णों को याद करने की जब बारी आती है, तो ऐसे बच्चे केरल में ही मिलेंगे। केरल में एक से एक बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बहुत निकलते हैं, वहाँ की साक्षरता दर ही बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे बयान जो आते हैं, वो केरल साइड में ही देखने को मिलते हैं।
तिरुवनंतपुरम जो है केरल की राजधानी है, ठीक, तो वहाँ ऐसे बयान आम है इस तरह के। ठीक, यहाँ के बच्चों को नॉर्मल IUPAC नाम याद नहीं होते, तो वहाँ के बच्चे इतने बड़े बड़े IUPAC नाम याद रखने की तक हिम्मत करते हैं, उनके पेरेंट्स तक उनको याद करवाते हैं। ठीक, तो ये जब ट्रेंडिंग में आया था तो शशि थरूर ने इसको ना याद करने की रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि बच्चों पर लोड पड़ता है और पेरेंट्स का दबाव ज़्यादा होता है। ठीक, तो इस तरह से ये IUPAC की एक अनोखी दुनिया है। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, IUPAC नाम पर जो आधारित क्वेश्चन है वो दो तरह से आते हैं। पहला, IUPAC नाम इस तरह से दे देगा और इससे पूछा जाएगा कि इनके IUPAC नाम लिखिए। ठीक है, और भी होते हैं इससे अलग, ठीक है, कुछ साइक्लो वाले भी होते हैं जो सर्कल में होते हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो इनको दे देगा और बोलेगा कि IUPAC नाम लिखिए। दूसरा रूप क्या होता है, IUPAC नाम दे देगा और उनसे बोलेगा क्या इनका अणुसूत्र या संरचना सूत्र बनाओ। देखिए, अणुसूत्र, संरचना सूत्र, सामान्य सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, संक्षिप्त सूत्र, कई तरह के सूत्र होते हैं, इनको हम इसी वीडियो के आखिरी में या अगर टाइम ज़्यादा लगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें से दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब IUPAC नाम को करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस ये तीन रूल हैं मोटे मोटे, ये टेबल है और ये फॉर्मूला, इतना सब कुछ याद करना है, पूरा IUPAC खत्म। देखो करना क्या होता है, सबसे पहले हमारे नियम 1, 2, 3, ये नियम क्या बोलते हैं इनको डिटेल में समझना है। ठीक है, ये टेबल तो आसानी से याद हो जाएगी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस ये नियम याद रखने हैं। तो देखो, जब भी हमें इस तरह से कोई भी कार्बनिक यौगिक दिया जाता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। अब लंबी श्रृंखला का चयन कैसे करेंगे, तो देखो लंबी श्रृंखला वो होती है जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा होती है। अब ये कुछ दिए गए हैं, इनमें देखते हैं कौन कौन सी लंबी श्रृंखला है। तो देखो, एक तो ये है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो देखो, दोनों ही कंडीशन में, इसमें भी सीधी अगर श्रृंखला चुनेंगे तो 4 कार्बन आ रहे हैं, और अगर हम यूं चुनेंगे तो भी 4 आ रहे हैं, तो कोई सी भी चुन सकते हैं। ठीक है, इसमें कौन सी चुनेंगे, ये सीधी है, इसमें तो पूरी एक लंबी श्रृंखला, इसमें ये है, और चाहे तो इधर मुड़ जाओ, चाहे इधर मुड़ जाओ, चाहे इधर मुड़ जाओ, सब तरफ कार्बन की संख्या सेम है, तो हमारे चेन भी कोई सी चुन सकते हैं। इसमें सीधी सी है, सीधा चुन लेंगे, इसमें इसको या तो इस तरफ चुन लो या सीधी चुन लो, कोई सी भी चुन लो, कार्बन की संख्या सेम है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, इसके बाद हम कार्बन परमाणु के ऊपर नंबरिंग करते हैं। ठीक, अब नंबर कैसे डालें, 1, 2, 3, 4, 5। तो देखो, नंबर डालने के लिए हमें वरीयता क्रम जो होता है उसका पता होना जरूरी है। अगर वरीयता क्रम का पता नहीं होता तो हम गलत नंबर डाल देंगे। वैसे हम नॉर्मली ये होता है कि 1, 2, 3 शुरू से, ऐसा नहीं है, हम पहले अपनी वरीयता क्रम को देखेंगे, इस क्रम को देखने के अकॉर्डिंग हम कार्बन पर नंबरिंग डालेंगे। तो देखो, सबसे पहले एफ जी, एफ जी क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, क्रियात्मक समूह। ठीक, तो देखो फंक्शनल ग्रुप होते हैं हमारे ये वाले, जैसे OH है, COOH है, CHO है, C11O है, CONH2 है, NH2 है, CN है, इतने बहुत हैं, इसमें से भी आपके काफ़ी कम है, ये 4-5 हैं बस। ठीक, तो ये क्रियात्मक समूह है, अगर ये जहाँ से आपको दिख जाए, जैसे ये हमारा, इसको देख लो, इसमें हमें क्या दिख गया, COOH क्रियात्मक समूह है ये वाला, तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1, 2, 3, 4, जहाँ से क्रियात्मक समूह पास पड़ता है वहाँ से हम नंबरिंग करते हैं। क्रियात्मक समूह नहीं है तो फिर क्या देखेंगे, डबल बॉन्ड देखेंगे, डबल बॉन्ड भी नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो आर ग्रुप। अब आर ग्रुप क्या होता है, तो देखो क्रम से देखना, एक तो एफ जी को देखना, फंक्शनल ग्रुप को, और एक आर ग्रुप को। अब आप सोचोगे कभी कभी एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गए तो उसमें कैसे हम पता लगाएं, मान लो एक फंक्शनल ग्रुप इधर आ गया, एक इधर आ गया, अब कहाँ से चालू करोगे नंबरिंग, यहाँ से या यहाँ से। तो इस चीज़ से निपटने के लिए फंक्शनल ग्रुप का अलग से वरीयता क्रम लिख दिया है। ठीक, इतना बड़ा लेवल का कभी नहीं आएगा, हाई स्कूल लेवल पर
इतना बड़े लेवल के दो दो फंक्शनल ग्रुप के कभी नहीं पूछे जाते। फंक्शनल इन सब में से एक ही पूछा जाएगा, या होगा तो दो डबल बॉन्ड दे देगा या एक डबल एक ट्रिपल बॉन्ड, इतना तो हो सकता है। लेकिन कभी फंक्शनल ग्रुप भी दे दे, डबल ट्रिपल बॉन्ड भी दे दे, या दो दो फंक्शनल ग्रुप दे दे, ऐसा कभी नहीं पूछा जाता है। ठीक, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ध्यान रख लो कि फंक्शनल ग्रुप में भी हमने वरीयता क्रम होता है। अगर COOH आ रहा है तो उसको हम पहले नंबर पर रखेंगे, उसके बाद COOR, CHO, C ट्रिपल बॉन्ड N, COOH, NH2। ठीक, हम यहाँ से क्रम चालू करते हैं, सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंस यहाँ से देते हैं, इसको वन नंबर, इसके बाद को फर्दर नंबर देते जाएंगे। ठीक है, ऐसे। अब दूसरा है R ग्रुप। R क्या होता है? ये होता है हमारा प्रतिस्थापी समूह। अब ये प्रतिस्थापी समूह क्या होते हैं? देखो, प्रतिस्थापी समूह जो होते हैं, ये हमारे वो समूह होते हैं जो हमारे नंबरिंग में शामिल नहीं होते। जैसे CH3, इसको हम क्या बोलेंगे? मैथिल ग्रुप बोलेंगे। ठीक, C2H5 को एथिल, C3H7 को प्रोपिल, ब्यूटिल। ठीक, इस तरह से हम इनके नाम रखते हैं। नॉर्मली दो याद रखने हैं, मैथिल और एथिल। ठीक, इनमें क्या होता है कि ये नंबरिंग करते समय ये छोड़ दिए जाते हैं। ठीक, तो ये हमारे R समूह कहलाते हैं, जब यूज होंगे इनको हम देखेंगे। ठीक है, तो इस वरीयता क्रम का ध्यान रखना है और नंबरिंग करने का ध्यान रखना है। ठीक है, ये जब आएगा जब देख लेंगे इसको। अब देखो ये टेबल, इस टेबल को थोड़ा ध्यान से देखना है। इस टेबल में क्या होता है कि हम जब नंबरिंग डालते हैं तो हम देखते हैं कि कार्बन कितने हैं हमारी चेन में, जितने कार्बन हैं उस श्रृंखला का नाम हम इससे देंगे। जैसे यहां पर कितने हैं? चार कार्बन है, तो चार कार्बन के लिए श्रृंखला का नाम क्या होगा? ब्यूट। ठीक, तीन कार्बन होते हैं तो प्रोप, जैसे इसमें कितने? एक दो तीन चार, यही तो हमारी मुख्य श्रृंखला है, ये तो हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि हम क्या चुनते हैं? लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। अब लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे तो एक दो तीन चार इसका करेंगे, या यहां से करना चाहो तो एक दो तीन चार, दोनों ही कंडीशन में चार कार्बन आना है, दोनों ही बराबर बराबर लंबे हैं, तो कहीं से भी ले सकते हैं। अब इसको हमने छोड़ दिया। ठीक है, ये जो छूट गया ये क्या हो गया? ये हमारा आर समूह हो गया। ठीक, जिसको हमने काउंटिंग में नहीं लिया। अब चार हैं तो क्या हो जाएगा? ब्यूट। ठीक, अब आप सोचोगे कि ये मैंने नंबरिंग यहां से क्यों करी है, यहां से क्यों नहीं करी? तो देखो, रूल ये होता है कि जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या आर ग्रुप पास पड़ते हैं, वहां से हम नंबरिंग करते हैं। वरीयता मतलब नंबरिंग की शुरुआत कहाँ से करें। ठीक है ना, तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? जहां से इनमें से कोई सा भी आ जाए वहां से हम शुरुआत पहले करते हैं। ठीक है, तो हमारा आर ग्रुप पहले पढ़ रहा था, और कुछ तो है नहीं इसमें, आर ग्रुप पहले पढ़ रहा है, तो इसलिए हमने नंबरिंग कहाँ से करी? इस साइड से करी। अब बीच में तो कर नहीं सकते, तो इस साइड से करी। ठीक है, तो कुल मिला के जितने कार्बन होते हैं हमारी चेन में, उस चेन का नाम क्या होता है इनमें से होगा। ठीक है, पहला एक कार्बन है तो मैथ, दो है तो एथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन और डेक। ये 10 तक ही याद रखने हैं, उसके ऊपर नहीं आएंगे। ठीक है ना, जैसे 11 है तो अनडेक हो गया, 12 है डोडेक हो गया, ट्राइडेक, इस तरह से बढ़ते आते हैं। 20 हो गया तो ई कोच, 30 हो गया ट्राई कोच, 90 हो गया तो नैनो कोच, और अगर 100 कार्बन है तो हमारा हेप्ट। ठीक, इस तरह से ये बनते जाते हैं। तो ये हमारी टेबल है। इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप के नाम होते हैं, जैसे OH के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑल। जब हम नाम लिखते हैं तो उनके पीछे लगाने के लिए ये क्रियात्मक समूह के नाम होते हैं, जैसे ऑल, COOH का ओइक एसिड, CHO का अल, सी डबल बॉन्ड ओ का ऑन, CONH2 का एमाइड, NH2 का एमीन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन का नाइट्राइल। ठीक, तो इस टेबल का और इस नियम की मदद से अब हम नाम बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा ये वाला, इसमें क्या है? CH3, CH2, CH, CH3 और CH3। तो नंबरिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले लंबी श्रृंखला चुनेंगे, या हमने लंबी श्रृंखला चुन ली। अब दूसरा नियम है, लंबी श्रृंखला के कार्बनों पर नंबर डालेंगे, तो नंबर हमने डाल दिए। ठीक, और नंबरिंग डालने में जब दिक्कत होती है तो हम वरीयता क्रम का हेल्प लेते हैं। ठीक, तो इधर से डालें कि इधर से डालें, तो हमने क्या देखा? इसको चेक करा, इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं था, डबल बॉन्ड नहीं था, ट्रिपल बॉन्ड नहीं था, आर ग्रुप है, तो हमने आर ग्रुप की तरफ से नंबरिंग डाल दी। नंबरिंग डल गई, अब क्या करना है?
नाम लिखने के लिए हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। आर ग्रुप का नाम हम पहले लिखते हैं, इसके बाद हमारा जो चैन होती है, ये जो चैन, इसका नाम लिखते हैं। इसके बाद हमारा बॉन्ड नेम, ये जो भी बॉन्ड होंगे उनका नाम लिखेंगे। ठीक, कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड है तो इन लगता है, डबल बॉन्ड होंगे तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड होंगे कहीं तो आयन लग जाएगा। इसके अलावा फिर होता है फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप आया हुआ है तो उसका हम ये लगा देंगे। देखो, अनुलग्न और पूर्व लग्न वगैरह हम इन वर्णों को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ये कभी पूछे ही नहीं जाते। हम सीधा सीधा आईयूपीएसी नाम लिखना सीखेंगे, ठीक है ना। हम इससे मतलब नहीं है क्या अनुलग्न क्या पूर्व लग्न, हम सीधा सीधा एक मेथड देखेंगे कैसे कैसे आईयूपीएसी नाम लिखने होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें हमारा सबसे पहले आर ग्रुप, आर ग्रुप कहां पर है, ये रहा, और इसको हम क्या बोलते हैं, मैथिल। ठीक, अब ये मैथिल ग्रुप कितने नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है, तो हम इसका क्या लिखेंगे, इस ये जिस कार्बन पर होगा उस कार्बन का नंबर साथ में लिखेंगे। तो ये दूसरे नंबर पर है तो टू मैथिल। ठीक, आर ग्रुप का नाम लिख लिया। इसके बाद चैन, तो कितने हैं, चार हैं, चार के लिए कितना होता है, ब्यूट, तो ब्यूट। इसके बाद चैन का नाम लिखने के बाद बॉन्ड नेम, बॉन्ड नेम क्या है हमारा, सब में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है, एन, तो ब्यूट प्लस एन क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूट प्लस एन क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, संधि विच्छेद कर देते ना, तो ब्यूट और यहां एन और लिख दो, तो ब्यूट और एन मिलके क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक, तो ये हमारा होगा टू मैथिल ब्यूटेन। अब नेक्स्ट है हमारा इसका, तो इसकी शुरुआत कहां से करेंगे, एक दो तीन चार। अब यहां पर हमारा क्या है, पहले नंबर पर हमारा क्या पड़ गया, फंक्शनल ग्रुप। अब देखो आपको अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कोई है ही नहीं, इसमें से कोई दिख रहा है नहीं है, या इसमें कुछ आया ही नहीं है तो हम फंक्शनल ग्रुप क्यों लगाएंगे, उसको छोड़ देंगे। हाँ, तो इसमें क्या है, इसमें फंक्शनल ग्रुप है। शुरुआत कहां से करेंगे, यहां से या यहां से, तो देखो वरीयता क्रम को देख लो, फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो इसी से शुरुआत होगी। तो इससे शुरुआत करेंगे, वन टू थ्री फोर। रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आर ग्रुप, कहीं ऐसा कार्बन है जो छूटा हुआ है नंबरिंग से, नहीं है तो आर ग्रुप नहीं है। अब चेन का नाम, तो कितने कार्बन है, चार, तो चार कार्बन के लिए चेन का नाम क्या होता है, ब्यूट, तो क्या लिखेंगे हम, ब्यूट। चेन के बाद है हमारा बॉन्ड नेम, बॉन्ड नेम क्या होता है, तो देखिए इसमें डबल बॉन्ड यूज हुआ है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, इन, तो बॉन्ड नेम की जगह क्या लगाएंगे हम, इन। लेकिन ये कितने नंबर के कार्बन पर हुआ है, दूसरे नंबर के कार्बन पर हुआ है, तो इसलिए हम इसका लिख देंगे टू इन। ठीक, जितने नंबर पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम उसके आगे लिख देते हैं। ठीक, तो बॉन्ड नेम हो गया। इसके बाद है हमारा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, ये वाले। अब इसमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सी ओ एच, और सी ओ एच का क्या होता है, ओइक एसिड। तो ओइक एसिड हमारा पहले नंबर पर है, तो जब पहले नंबर पर है तो इसमें प्लस करके क्या लिख देंगे, ओइक एसिड या अम्ल। अब देखो जैसे यहां हमने ब्यूट प्लस एन को क्या कर दिया, ब्यूटेन कर दिया। ठीक, अब इन और ओइक एसिड को जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनोइक एसिड। तो इसकी और इसकी जगह जुड़ के क्या हो जाएगा, ब्यूट टू इनोइक एसिड। ठीक, तो हम इसका संधि विच्छेद करके क्या कर देंगे, इनोइक, इन प्लस ओइक एसिड क्या होगा, इनोइक एसिड। ठीक है, ये लिखने के लिए मैंने, समझाने के लिए प्लस करके लिख दिया था, इनोइक एसिड। ठीक, ये संधि विच्छेद हो गया इसका, इन प्लस ओइक एसिड का क्या हो गया, इनोइक एसिड, ताकि हमारा फॉर्मूला इससे मैच हो जाए। ठीक, अब नेक्स्ट इसमें क्या है, ये है हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर, इसको गौर से देखो और बताओ कि इसमें किधर से नंबरिंग करना चाहिए, सोचो जरा। देखो जब इस तरह की सिचुएशन होती है कि इधर से नंबरिंग करें, अच्छा पहले लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, हर
हर तरफ से पांच पढ़ रही है, इधर से भी करें एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, हर तरफ से पांच पांच पढ़ रही है, ठीक है। तो कोई सी भी ले लो, ये ले लो सीधी या यूं ले लो, कैसी भी ले लो। अब नंबरिंग इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे, देखिए जहां से जब बराबर बराबर दूरी पर पढ़ते हैं, यहां से करेंगे तो यहां दूसरे नंबर पर ये है, यहां से करेंगे तो यहां से दूसरे नंबर पर ये है, दोनों ही दूसरे दूसरे कार्बन पर श्रृंखलाएं हैं। तो हम देखते हैं जहां ज्यादा कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं तो ज्यादा श्रृंखला वाले की तरफ से हम नंबरिंग करते हैं। तो यहां से करेंगे तो यहां पर दो श्रृंखलाएं पढ़नी है, यहां से करेंगे तो यहां पर एक श्रृंखला पढ़नी है, ज्यादा यहां से पढ़नी है तो हम नंबरिंग यहां से करेंगे, ठीक है। तो एक दो तीन चार पांच, ठीक, ये हमने नंबरिंग कर दी। जब नंबरिंग कर दी तो रूल क्या है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, सबसे पहले आर ग्रुप। अब आर ग्रुप की तो इसमें भरमार रहा है, ठीक। अब देखो इसमें कितने हैं, दो तो यही है आर ग्रुप और एक हमारा ये है, तो जितने भी आर ग्रुप हैं सबको लिख लेते हैं। तो लिखने का रूल क्या है, पहले इनके नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस वाले का नंबर क्या है, दो, इस वाले का नंबर कितना है, दो, तो दोनों का दो दो लिख लिया। इस वाले का नंबर कितना है, चार, तो दो दो चार। अब ये क्या है, ये तीन हमारे CH3 हैं और CH3 को क्या बोलते हैं, मैथिल। अब तीन मैथिल हैं तो तीन के लिए हम बोलते हैं ट्राई, ट्राई मैथिल, ठीक। ये अगर दो होते हैं तो डाई यूज करेंगे और तीन होंगे तो ट्राई, एक के लिए कोई यूज नहीं करते, ठीक है। तो 2 2 4 ट्राई मैथिल, जितने भी आर ग्रुप थे उन सबको हमने नाम लिख दिया। अब लिखेंगे हम चेन का नेम, ठीक। चेन का नेम क्या है, तो पांच कार्बन है, पांच कार्बन के लिए क्या होता है, पेंट, ठीक। अब बॉन्ड नेम, बॉन्ड नेम क्या है, सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में तो एन, तो पेंट प्लस एन क्या हो जाएगा, पेंटेन, ठीक। इस तरह से हमारा IUPAC नाम लिख गया। अब अगला वाला, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। जब इस तरह से होते हैं कि इसमें डबल बॉन्ड भी आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, तो हम क्या करेंगे, अपना वरीयता श्रेणी को देखेंगे, ठीक है। तो वरीयता श्रेणी में क्या है, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो किसको वैल्यू ज्यादा देंगे, डबल बॉन्ड को वैल्यू ज्यादा मिलेगी, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को मिलेगी। तो डबल बॉन्ड की शुरुआत कहां से हो रही है, यहां से, ट्रिपल बॉन्ड की यहां से हो रही है, तो हम नंबरिंग की शुरुआत कहां से करेंगे, यहां से करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, इस तरह से हम नंबरिंग कर देंगे। अब देखिए जब नंबरिंग कर दी उसके बाद क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करते समय क्या करेंगे, सबसे पहले आर ग्रुप, आर ग्रुप है इसमें, आर ग्रुप इसमें नहीं है, कोई भी कार्बन नहीं बचा है, तो क्या करेंगे, दूसरे नंबर पर चेन का नेम, चेन कितने हैं, इसमें पांच कार्बन है, पांच कार्बन को क्या बोलेंगे, पेंट, ठीक। चेन का नाम लिख दिया। अब देखेंगे बॉन्ड नेम, बॉन्ड नेम क्या होता है, तो देखो इसमें दो तरह के बॉन्ड हैं, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो वरीयता किसको मिली थी, डबल बॉन्ड वाले को मिली थी, तो हम पहले डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे। अब ये बॉन्ड कितने नंबर के कार्बन पर है, पहले नंबर के पर है, तो पहले नंबर पर क्या है हमारा, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं बॉन्ड नेम में, इन, वन इन। इसके अलावा ट्रिपल बॉन्ड भी है, और ट्रिपल बॉन्ड को क्या लिखेंगे, आयन, और ये कितने नंबर पर है, चार नंबर पर है, तो 4 आयन। तो इसका नाम हो गया पेंट 1 इन 4 आयन, ठीक। अब आखिरी इसमें क्या है, हमारा ट्रिपल बॉन्ड है और एक तरफ आर ग्रुप है, और दोनों यहां से शुरुआत करते हैं, तो एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, इधर से भी करें तो भी पांच। अब ये देखना है हमें कि यहां से भी ये दूसरे नंबर पर है ट्रिपल बॉन्ड, और यहां से ये दूसरे नंबर पर आर समूह है, मतलब एक आर श्रृंखला है, तो हम किसको वैल्यू ज्यादा देना है, ट्रिपल बॉन्ड को या आर ग्रुप को। तो फिर से कंफ्यूजन हो रहा है, तो फिर से इस टेबल को देखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड या आर ग्रुप, तो किसको वैल्यू ज्यादा मिली है, ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद नंबर आता है आर ग्रुप को, तो हम नंबरिंग कहां से करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। तो हम शुरुआत करेंगे यहां से, तो 1 2 3 4 5 इधर लिख लो या इधर लिख लो, बात एक ही रहेगी। तो हो गया,
सबसे पहले क्या करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग आर ग्रुप का नाम लिखेंगे, इसका क्या नाम होता है, मैथिल। ठीक, अच्छा कितने नंबर पर है ये, 4 नंबर पर है, तो 4 मैथिल। इसके बाद चेन का नेम कितने हैं, 5 हैं, 5 कार्बन के लिए क्या होगा, पेंट। चेन के बाद बॉन्ड नेम, बॉन्ड कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड आ गए, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, आयन। ठीक, अब ये जो आयन है कितने नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, तो 2 आयन। इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कोई है, फंक्शनल ग्रुप तो इनमें से कुछ है ही नहीं, तो इनमें से कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक, तो ये हमारे कुछ IUPAC नाम थे। देखिए ये कुछ और हैं जिनके IUPAC हमें नाम और देखने हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ये वाला है, इसमें हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से भी। ये फंक्शनल ग्रुप जो है हमारा OH, OH हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो इसकी शुरुआत यहाँ से भी उतनी ही दूरी पर है और यहाँ से भी उतनी दूरी पर है, तो कहीं से भी कर सकते हैं नंबरिंग। तो हम मान लो यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3। ठीक, तो नंबरिंग करने के बाद आर ग्रुप का नाम लिखेंगे जो कि इसमें नहीं है। इसके अलावा चेन, तो कितने कार्बन है, 3 है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रॉप। ठीक, अब चलो यहीं से लिखते हैं। इसके बाद है हमारा बॉन्ड नेम, तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, एन, तो प्रॉप प्लस एन क्या हो गया, प्रोपेन। ठीक, इसके बाद फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा, OH, OH के लिए क्या आएगा, ऑल, लेकिन ये कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है, तो 2 ऑल। ठीक, तो प्रोपेन 2 ऑल, इस तरह से हमारा IUPAC नाम हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा ये वाला, इसमें क्या है, इसमें भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO, और CHO को क्या बोलते हैं, अल, तो इसकी नंबरिंग कहां से करेंगे, इसका बता, इसकी नंबरिंग यहां से करेंगे, यहां से करेंगे, या यहां से करेंगे। देखिए जब फंक्शनल ग्रुप में कार्बन मौजूद होता है तो हम फंक्शनल ग्रुप से ही शुरुआत करते हैं, भले हमारी कार्बन श्रृंखला छोटी क्यों ना रह जाए। ठीक, तो जैसे ये है, इसमें कार्बन मौजूद है, इसमें भी कार्बन मौजूद है, इसमें भी कार्बन मौजूद है, इसमें भी कार्बन मौजूद है। ठीक, तो इनसे हम शुरुआत करेंगे, तो हमारा फंक्शनल ग्रुप CHO है। ठीक, तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, तो 1 2 इधर ले लो या इधर ले लो, कहीं भी ले लो, बात एक ही है। तो सबसे पहले आर ग्रुप, इसमें तो बच गया आर ग्रुप हमारा ये वाला, तो ये क्या है हमारा, मैथिल। कितने नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, तो 2 मैथिल। ठीक, दूसरे नंबर पर मैथिल समूह। अब चेन, चेन कितने हैं, 3 है, तो 3 के लिए क्या होगा, प्रॉप। ठीक, इसके अलावा बॉन्ड नेम, बॉन्ड कितने हैं, सिंगल हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो प्रॉप प्लस एन क्या हो जाएगा, प्रोपेन, 2 मैथिल प्रोपेन। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO, CHO के लिए क्या लगाते हैं, अल। ठीक, तो प्रोपेन प्लस अल क्या हो जाएगा, प्रोपे नल। ठीक है, इस संधि विच्छेद करके थोड़ा हैबिट डालनी होती है थोड़ा, तो प्रोपेन प्लस अल मिलके क्या हो गया, प्रोपेन नल। ठीक है, तो 2 मैथिल प्रोपेनल, इस तरह से हमारे ये IUPAC नाम हो गया। अब कुछ इस तरह से आ जाते हैं, इसमें क्या है, तो देखो जितने भी ये इसके कोने हैं इन सब पर कार्बन मौजूद होता है, यहाँ पे भी कार्बन होगा, यहाँ पे भी कार्बन होगा, यहाँ पे भी होगा, और यहाँ पे भी कार्बन होगा। ठीक, तो इसकी नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अगर यहाँ से करते हैं, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से भी दूसरे नंबर पर है, और यहां से करते हैं तो भी दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले कोई ग्रुप छूटा नहीं है तो आर को नहीं लिखेंगे। अब चेन नेम कितने हैं, 4 हैं कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए क्या होगा, ब्यूट। ठीक, तो ब्यूट। इसके बाद हमारा है बॉन्ड नेम, बॉन्ड नेम क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, इन। ठीक, तो दूसरे नंबर पे हमारा इन है, तो ब्यूट 2 इन। ठीक, इसको ऐसे लिख लो या इसको 2 ब्यूटीन भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन हम इस तरह की हैबिट डालेंगे क्योंकि हमारा फॉर्मूला इस तरह से चल रहा है, ये दो तरह से लिख सकते हैं, 2
टू ब्यूटीन भी लिख सकते हैं और ब्यूट टू इन भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख लो, ठीक है। अब साइकिल वाले, तो देखो अब हमारा थर्ड रूल काम आएगा, चक्रीय जो होते हैं उनमें साइक्लो से शुरू करते हैं, ठीक है। क्या वर्ड लगाते हैं? साइक्लो। तो ये साइक्लिक है, चक्र पूरा बंद है, कार्बन एक बंद श्रृंखला बना रहा है, जब बंद श्रृंखला होती है तो उसकी शुरुआत हम साइक्लो से करते हैं, तो यहां क्या लगाएंगे? साइक्लो, ठीक, साइकिल की तरह, तो साइक्लो। अब कितने कार्बन है? एक दो तीन, जितने भी कोने होंगे, जितने भी सिरे होंगे, सब जगह कार्बन होता है, तो कितने है? तीन। और तीन कार्बन के लिए क्या होता है? तीन कार्बन के लिए होता है हमारा प्रोप, और सिंगल बॉन्ड में तो क्या हो जाएगा? एन लगेगा, तो साइक्लो प्रोपेन। इसकी अगर बात करें तो डबल बॉन्ड से पास पड़ा तो यहां से हम नंबरिंग चालू करेंगे, ठीक। नंबरिंग कहां से करते हैं? जहां से हमारे ये पढ़ते हैं, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड तो है, तो यहीं से शुरुआत कर देंगे, तो 1 2 3 4 5, ठीक। अब कितने कार्बन है? 6। देखो चेन आर ग्रुप है, नहीं चेन है, चेन कितने है? 5 है, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा? पेंट, ठीक। इसके अलावा क्या है हमारा? बॉन्ड नेम कितने है? 3, और पहले पर है तो पहले को हम लिखते नहीं है, तो क्या हो जाएगा? पेंट वन आयन या पेंटाइन। इस तरह से ये हमारा IUPAC नाम क्लियर हो गया। अब देखो होगा क्या, ये एक तरह के थे, मतलब हमें स्ट्रक्चर दिए हुए थे, इससे हमने IUPAC नाम लिखे थे। दूसरा तरीका क्या है? नाम से हमारा स्ट्रक्चर बनाना होता है, ठीक। तो जैसे हमने इसकी प्रैक्टिस करी है, ऐसे ही इसकी प्रैक्टिस इसमें कर लेंगे, ठीक है। तो ये जब हमें बनाना आ ही जाएगा तो इसको हम आसानी से इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमें दे दिया जाएगा 2-methylpropanol, तो हमें पता होगा कि ये प्रोपेनल है, तो प्रोपेनल में CHO जुड़ा होगा, और दूसरे नंबर पे क्या है? मैथिल समूह है, तो मैथिल समूह जुड़ गया दूसरे नंबर पर, बन जाएगा हमारा स्ट्रक्चर आराम से, ठीक। तो इस वीडियो में ये IUPAC का जो टॉपिक है ये हमारा पूरी तरह से क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हमारे जितने भी सूत्र वगैरह होते हैं उन सबको देखेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा जो टॉपिक रह गया है, जैसे हमारा ईंधन वगैरह है, ज्वाला है, ठीक, समावयवता है, ये थोड़ा बहुत टॉपिक रह गया, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।